सब्सक्राइब कीजिए दिनेश कुमार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, घर बैठे पैसे कमाने की जानकारी सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में, जानेंगे दोस्तों कि आप अपनी पेटीएम बैंक से अपना फंड जो है अपनी पेटीएम वॉलेट के अंदर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी दोस्तों कि अगर आपका पेटीएम बैंक के अंदर कुछ बैलेंस अवेलेबल है और आप उसको यूज करना चाहते हैं पेटीएम वॉलेट के द्वारा, तो वो आप कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ये सारी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको दो एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। दोस्तों एक एप्लीकेशन है पेटीएम के नाम से और एक एप्लीकेशन है पेटीएम फॉर बिजनेस के नाम से। तो दोस्तों यह है पेटीएम वॉलेट हमारी और यह है पेटीएम बैंक। अब दोस्तों सबसे पहले हम पेटीएम बैंक को ओपन करेंगे। जैसे दोस्तों आप पेटीएम बैंक को ओपन करते हैं तो आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए होंगे बीते हुए समय में, वो सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब दोस्तों इसमें कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखाई देता है कि कितना बैलेंस आपके पास अवेलेबल है। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि आप अपनी पेटीएम बैंक को जो है क्लोज करिए। तो अभी हम पेटीएम बैंक को क्लोज करेंगे और अब ओपन करिए आप अपनी पेटीएम वॉलेट को। तो दोस्तों अभी हम पेटीएम वॉलेट को ओपन करते हैं और आप जैसे ही अपनी पेटीएम वॉलेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको मेन्यू बार दिखाई देगा और यहाँ पर एक बटन मिलेगा ऐड मनी का। ऐड मनी के ऊपर आप क्लिक करिए और जैसे दोस्तों आप ऐड मनी के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बैलेंस दिखाई देगा कि कितना बैलेंस आपके पास अवेलेबल है। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा अवेलेबल बैलेंस है 8,621 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मनी ऐड करनी है अपनी पेटीएम बैंक के द्वारा, यानी कि आपकी दूसरी जो एप्लीकेशन है पेटीएम फॉर बिजनेस की, उसके द्वारा। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर फंड डालना है कि कितना फंड यहाँ पर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 5,000 रुपए डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर 5,000 जो है ऐड किया है। उसके बाद सिंपली ऐड मनी के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप ऐड मनी के बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके सामने इसका इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे पेमेंट ऐड करने के। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आप भीम एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा और नेट बैंकिंग के द्वारा भी फंड यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पर आपको चेक मार्क दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लिखा पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट, यानी कि दोस्तों हमारा पेटीएम बैंक का अकाउंट यहाँ पर चेक हो चुका है और यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस दिखाई दे रहा है कि कितना बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारे पास लगभग 8,000 रुपए अवेलेबल है जो कि हमारे पेटीएम बैंक के अकाउंट के अंदर है और यहाँ पर ऑलरेडी चेक हो रखा है। तो हम इस चेक को अगर अनचेक करेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपके सामने ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे कि आपको कौन से ऑप्शन से पेमेंट डिपॉजिट करनी है। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर पेटीएम बैंक के द्वारा फंड ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर एक बटन दिया गया एंटर पेटीएम पासवर्ड। तो दोस्तों वो पिन कोड हम यहाँ पर डाल देते हैं। दोस्तों हमने पिन कोड यहाँ पर डाल दिया है, उसके बाद सिंपली पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो फंड है वो तुरंत ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 5,000 एडेड सक्सेसफुल का मैसेज आपको देखने को मिल गया और यहाँ पर आप देखेंगे तो अपडेटेड पेटीएम बैलेंस यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अभी आप इसको बैक करिए दोस्तों और बैक करने के बाद आप फिर से ऐड मनी के बटन पर क्लिक करिए और जैसे आप ऐड मनी के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका बैलेंस दिखाई दे जाएगा जो कि प्लस हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपनी पेटीएम बैंक के द्वारा अपनी पेटीएम वॉलेट के अंदर फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन क्वेरीज या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनसे रिलेटिव भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ।